ये हमारा झंडा है। मेडिकल कंफर्म हुआ है जी, मेडिकल टेस्ट कंफर्म हुआ है। कंफर्म है मेडिकल कहाँ हुआ है? कौन मेडिकल? संजय गांधी हॉस्पिटल रिपोर्ट है, संजय गांधी में रिपोर्ट पुलिस के पास है, कंफर्म है। कंफर्म है जब बेटी आपके सामने, आपको वीडियो में दे दी साहब, हो गई है लड़की से लाके ये कह रही कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, 6 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत भी नहीं होती है। आपको ये भी पता होगा मेडिकल तो छोटे भाई अभी दिल्ली कैंट में छुपा लिया गया था, किया ही नहीं था। आदर्श में क्या हुआ, ये सरकार क्या चाहती है, क्या कर रही है, कोई ऐसा पता नहीं है। ना सरकार पर भरोसा रहा, ना दिल्ली सरकार पर, ना भारत सरकार पर, ना बीजेपी के दलित समाज के नेताओं पर, ना आम पार्टी के दलित समाज के नेताओं पर भरोसा नहीं है। भरोसा है ऐसे कांग्रेसी भी, ऐसे दलित भी है, तो गांधी परिवार पर है, कांग्रेस पर है, और जो हमारी समाज के जो दलित नेता है इन पर भरोसा है, इन पर हमारा भरोसा नहीं है। सर एमएलसी रिपोर्ट कितने बार कहती है, कितने बार रेप हुआ है, ये एमएलसी रिपोर्ट भी क्या? 6 बार बोला है एमएलसी रिपोर्ट ने। हाँ लड़की ने 6 बार बोला है। लड़की ने नहीं, एमएलसी रिपोर्ट क्या कहती है? मैं ये बता रहा हूँ आपसे, एमएलसी रिपोर्ट सील बंद करके जज के पास गई है कल, 164 के बयान कर रहे हैं वो सील बंद लिफाफा आप थ्रू क्या बोलते हैं सर, लड़की का बयान कोर्ट में, लड़की का बयान तो ठीक है, 120 का बयान है आपका, लेकिन 164 बयान है वो तो ठीक है, लेकिन जो एमएलसी रिपोर्ट डॉक्टर की होगी एक्चुअल में तो वो मानी जाएगी ना साहब। वो जो मैं आपको बताऊं, लड़की को तो कुछ भी कहलवाया जा सकता है, एमएलसी रिपोर्ट क्या कह रही है? लड़की को तो डरा जा रहा है, अब डरा जा रहा है, पहले नहीं डरा गया था। इसीलिए लड़की ने स्पष्ट तरीके से ये कहा जो हमने बताया हजारों लोगों के सामने कि मेरे साथ 6 साल से अब 6-8 बार रेप किया गया है, और उसके बाद उसकी एमएलसी जो हुई है वो सील बंद करके हर कहां उसके साथ दुर्कर्म हुए उन सब जगह कल और आज पुलिस लड़की को लेकर के जा रही है, आइडेंटिफाई करा रही है। और जो पहले वाली लड़की है निशा नाम की जो 30 साल को एफआईआर हुई है सुल्तानपुर थाने में, उसको जबरदस्ती धमका करके पैसे दे करके पीएसओ के साथ शादी करा दी गई और उसको चुप कर दिया गया। हमारे पे जो दूसरी मैंने जो फनेजा नाम की बेटी है हमारी जो अमंतिका में रहती है, एक इसकी ब्याहता बेटी है, दूसरी जो अनलीगल है जिसने कंप्लेंट कर रखी है, लीगल नोटिस भिजवा रखा है पुलिस से, पैसा देखो उस नोटिस को भी इसने दबवा रखा है। मैं ये जरूरत पड़ने पर प्रेस को प्रेस नोट भी देने के लिए क्या प्रेस नोट तो दूंगा दूंगा, ये प्रूफ सीडी मेरे पास है, एफआईआर की कॉपियां मेरे पास है। जय किशन जी, ये जो मुद्दे आज है कि लड़की को धमकाया जा रहा है जब वो पब्लिक में गई, मीडिया में गई, तो क्या उसके बारे में उसके बाद पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखी गई थी? दादा दादा वहां पर 50-50 लड़कों का ग्रुप जा रहा है, दादा वहां कैमरे लगे हुए हैं विचार में, आप जाकर के कैमरे की रिपोर्ट देख सकते हैं, आप दादा जाकर के सुल्तानपुर थाने में रिकॉर्ड निकलवा कर चेक कर सकते हैं। सुशीला बागड़ी नाम की लेडीज के साथ एसएचओ खुद बदतमीजी करता है, उसको हटाता है, बाहर निकालने की धमकी देता है और कई सामाजिक लोगों को करता है ये तो चले जाओ इस पार्टी से। कल को लड़की बयान बदल दिया तो बदलने की बात, उसके बाद दबाव इतना है, उसको धमकियां दी जा रही, तेरे भाई को मार दिया जाएगा, तेरे को उठा लिया जाएगा, तेरा मर्डर कर दिया जाएगा। और जब कल लड़की लड़की को जब बलात्कार की जगह ले जाया गया तो लड़की की माँ ने कहा कि मेरी लड़की को तो यहाँ पर मार दिया जाता, 100% लड़की को कत्ल करने की साजिश थी पाकिस्तानी। जय किशन जी, एक बात और, ये इतने दिन इतने लंबे समय से ये कहानी जो चल रही है कि उसके साथ रेप हो रहा है, उसके साथ गलत काम किया जा रहा है, इतने दिनों में उसने कितने बार पुलिस से कंप्लेंट की है, कितने बार वो सामाजिक संस्थाओं के पास गई है और कितने बार आवाज उठाने की कोशिश की है? वो विवादी बेटी है, उसको धमकाया गया, फुसला गया, उसको लालच दिए गए, वो बेचारी डरती डरती आखिरकार में वो कत्ते बकरे की माँ कब तक खाना बनाएगी, उस लड़की ने अपनी जान थड़ी पर रख करके अपनी माँ को बताया, अपने भाई को बताया। जब ये 22 तारीख को हंगामा होता है, 23 तारीख को इसका वो खुलासा होता है, हजारों आदमी पुलिस स्टेशन पे वो लड़की के साथ जाते हैं, उससे पहले लोगों में गुस्सा जब फूटता है, जब 3 जुलाई को एक
हादसा होता है और उससे पहले ये एक हरेगा नाम की लड़की इसका हादसा होता है और मुकेश रावत की कई हरकतें जब सामने आती है, कंप्लेंट भी आती है और प्रूफ भी आते हैं तब लोगों में गुस्सा उठता है और 23 तारीख को हंगामा होता है। मेरे नजर में आई 23 तारीख को मुझे पता चला मेरे संज्ञान में जब 30-7-2021 को निशा पवार का मामला आया तो मैंने इग्नोर किया दादा, मैंने इस पे इंटरेस्ट नहीं लिया पूरा। जब दूसरे लोगों ने मामला किया तो पुलिस मिलकर के अलावत से और पुलिस के उसके अलावत के पीएफओ से उसको जो हमने पता चला 5 लाख रुपए देकर उसकी शादी का अपराध करके वो मामला पुलिस ने दबा दिया क्योंकि इरफान के चलाव के इमरान सबका लिखा भी लोग में सबका और सीधा है सच्चा बचन तीन बचाव में पता लग गया है। एक मुट्ठी सोने की चैन इमरान